So hi everyone and welcome back once again to the channel. So RBI Grade B phase 2 is on 30th of July and now only 12 days are left guys for the preparation, right? So I hope your preparations are going well. So to boost up your preparation, I am here with this video where we are going to discuss the trend of RBI Grade B phase 2 examination. ठीक है, किस तरीके के questions आते हैं, कहां से questions आते हैं, तो ये जानना काफी जरूरी है। आई नो कि आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी ये ट्रेंड एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया होगा, बट यस, एक ट्रेंड एनालिसिस मेरी तरफ से भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, यहां यहां से चीजें आती हैं और इन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है, राइट? सो वी विल बी डिस्कसिंग द लास्ट टू ईयर्स पेपर, दैट इज 2022 एंड 2021. ठीक है, वाई? बिकॉज 2021 में इन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया था, सो उसके बाद से ही हमारे लिए जो ट्रेंड है वो काम का है, अदरवाइज उससे पीछे वाला जो ट्रेंड है वो हमारे किसी काम का नहीं है. एंड दिस डे आरबीआई इज गोइंग ऑन द लाइंस ऑफ यूपीएससी. ठीक है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज लास्ट ईयर द ईएसआई क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो दिस टाइम वी कैन एक्सपेक्ट दैट बोथ एफएम एंड ईएसआई विल बी डिफिकल्ट, राइट? और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी मैं लास्ट टाइम इन 2022 एंड इवन In 2021, they gave an essay, a philosophical essay, right? जैसे कि UPSC में 10 के 10 essay philosophical हो गए हैं, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है और हमारी पूरी टीम को लगता है that in future RBI will also be going to ask most of the questions, most of the essays from the philosophical angle. ठीक है? So all of these things, guys, will be discussed in the video. और उसके बाद last में we'll also talk about the cutoff of last 2 years. ठीक है? तो बात करते हैं, चलो सबसे पहले इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की 2022 की बात करेंगे सबसे पहले. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ईएसआई ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, वेयर देयर आर 30 क्वेश्चंस दैट दे आस्क इन योर एग्जामिनेशन, 20 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्कर्स एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क. ठीक है, सो एज यू ऑल नो गाइज, द गवर्नमेंट स्कीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ईएसआई पेपर. यू कैन सी 14 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स. And most of the questions from the government schemes were from only those schemes only which were in news in the last 1 year. ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो उन्हीं स्कीम्स में से थे जो कि पिछले एक साल में किसी ना किसी कारण से न्यूज में आए, राइट? देन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस की देर वॉज अ क्वेश्चन, एक्चुअली देर वॉज अ पैसेज बेस्ड ऑन विच देर वर 4 क्वेश्चन, राइट? एंड दैट पैसेज वॉज ओनली ऑन दी 1 रिपोर्ट. ठीक है, तो रिपोर्ट एंड इंडाइसिस के वैसे तो क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो 4 है, लेकिन वो जो 4 क्वेश्चन है वो केवल एक ही रिपोर्ट या एक ही इंडेक्स के बेस के ऊपर बेस थे, राइट? देन करंट अफेयर्स में देयर वर 11 क्वेश्चन. ठीक है, और स्टैटिक का केवल एक क्वेश्चन था लास्ट टाइम इन द 2022, वो भी बहुत अजीब सा क्वेश्चन था. ठीक है, एंड ओवरऑल द पेपर वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, द पेपर वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और इसी की वजह से ईएसआई के पेपर की वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे गई थी इन 2022 एग्जामिनेशन. ठीक है, एंड इन फ्यूचर मुझे लगता है जब एफएम भी अगर डिफिकल्ट हो जाएगा तो कट ऑफ और नीचे जाएगी. बाकी कट ऑफ की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है. इफ पेपर बिकम्स मोर डिफिकल्ट द कट ऑफ विल गो डाउन, इफ पेपर इज इजी द कट ऑफ विल गो अप. दैट्स द वेरी सिंपल इक्वेशन, राइट? तो आई थिंक यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कट ऑफ. तो दिस दीज वो द ट्रेंड इन 2022 पेपर इन द ईएसआई ऑब्जेक्टिव पार्ट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट करंट अफेयर, सो आई हैव रिटन करंट अफेयर्स 11 क्वेश्चंस. सो व्हाट करंट अफेयर्स आर दीज? सो दीज आर एक्चुअली इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स, लाइक लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ईसीटीए, राइट? पोर्टल्स इन न्यूज, एग्रीकल्चर इन न्यूज, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, लाइक लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड, राइट? इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था या ऐसी कुछ तो भी था रिलेटेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इंपॉर्टेंट डेज जीडीपी फोरकास्ट बजट इकोनॉमिक सर्वे. सो ऑल इन ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज पीआईबी एंड स्पॉटलाइट, एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट पीआईबी इज दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय आरबीआई थ्रू इट्स फेज 1 एग्जामिनेशन. बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पीआईबी में से उन्होंने पूछे हैं. लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था. इन ईएसआई ऑल्सो दे आस्क क्वेश्चन करंट अफेयर्स फ्रॉम द पीआईबी ओनली. पोर्टल का एक क्वेश्चन आया था दैट वॉज डायरेक्टली आस्क फ्रॉम पीआईबी, इनफैक्ट स्टेटमेंट भी उन्होंने चेंज नहीं किया था, राइट? सिमिलरली गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रायसीना डायलॉग एज वेल. रायसीना डायलॉग पे भी क्वेश्चन था, दैट वाज आल्सो कॉपीड फ्रॉम पीआईबी ओनली. सो पीआईबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स गाइज फॉर करंट अफेयर्स फॉर ईएसआई एंड ऑफकोर्स द गवर्नमेंट स्कीम्स.
तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने पीआईबी पिछले एक साल का होलिस्टिकली कवर कर रखा है थ्रू माय सेशंस और द पीडीएफ, तो उसका ईएसआई ऑब्जेक्टिव का काम तो हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ इन स्पॉटलाइट व्हाट यू हैव टू डू इज, व्हाट यू हैव टू डू इज स्पॉटलाइट में यू नीड टू कवर द गवर्नमेंट न्यूज, द नेशनल न्यूज, सॉरी द नेशनल न्यूज, द न्यूज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, द न्यूज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंस, द न्यूज रिलेटेड टू जीडीपी फोरकास्ट, द न्यूज रिलेटेड टू रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। That's it. You don't have to do the award section. You don't have to do the obituary. You don't have to do the sports section. Not at all required. Okay? So this is about objective. Now talking about descriptive. Descriptive pe aajao. To descriptive ka kya kya question aaye the? Bas main aapko bata deta hu. There was a question on positive discrimination, which was the least important topic, but RBI ne positive discrimination se question pucha tha. And this time, I think positive discrimination has been eliminated. So the thing is, please do not think that which topic is important. Please do not run after the important topics, because there is nothing which is important. Jisko hum important keh sakte hain, aisa kuch bhi nahi hai. If they can ask question from positive discrimination, jo ki sabse least important topic bataya jata tha, to they can ask question from anything. So your syllabus is your Bible. Your syllabus is your Bible, guys. Agar aap syllabus ko religiously follow karke jaoge, to definitely aapko koi bhi question exam mein nahi chutega. और ज्यादा कोई लंबा चौड़ा सिलेबस भी नहीं है यार आरबीआई का, बहुत छोटा सा सिलेबस है, तो वो आराम से टैकल किया जा सकता है। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन था, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज एसेंशियल टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस, डिस्कस इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन व्यू ऑफ कोविड आउटब्रेक इन इंडिया। सो दिस क्वेश्चन वॉज from financial stability report of RBI, ठीक है? Then अब इसी के लिए देखो करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट से उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है जी? आगे आ जाओ, 10 मार्कर्स पे क्या थे क्वेश्चन? चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, वेरी जेनरिक क्वेश्चन, बहुत जेनरिक क्वेश्चन था। इफ यू गाइज हैड बीन फॉलोइंग द पीआईबी एंड ऑल करंट अफेयर्स, तो आपने ये क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा। Short note on current policy, monetary policy framework in India. Then, what is NBFC? How is it different from banks? What are the five types of NBFC registered with RBI? And यार ये देखो, ये सारे memory based questions हैं, ठीक है? ये हो सकता है कि इन questions की language कुछ और हो, but topic यही था, right? आगे चलो, अब आ जाओ finance and management के objective पे, ठीक है? Finance and management पे आ जाते हैं objective में। So first of all, if I talk about finance, तो static में there were four questions on risk management from Basel norms, and out of these four also, two questions were from current, two questions were from static. There was a question on PSL lending rate, and there was a question on FPI limit on bonds. So only six questions were there from the static part. Five questions were directly from the current affairs, and nothing more than RBI 247 has to be covered. RBI 247 is more than enough, and spotlight toh wahan pe padi rahe ho. राइट, और क्या क्या क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर से क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन एमएसएमई डेफिनेशन व्हिच वाज चेंज्ड दैट टाइम, पीआईडीएफ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, एंड देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मास्टर डायरेक्शन ऑन एनबीएफसी। एक्चुअली देयर वर टू क्वेश्चंस ऑन दिस मास्टर डायरेक्शंस, ठीक है? तो मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑल ऑफ दीज मास्टर डायरेक्शंस आर बीइंग कवर्ड थ्रू द आरबीआई 247 क्लासेस एंड द पीडीएफ। Talking about the management part, so there were 11 questions were from finance and 19 questions were from management. तो ये पिछले साल का जो पेपर था उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन मैनेजमेंट में से था जी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस देर वर 4 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोटिवेशन 4 क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 2 क्वेश्चंस वर देयर। कम्युनिकेशन के 6 क्वेश्चंस थे भाई साहब, जो कि आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज 1 क्वेश्चन, पर्सनालिटी 1 एंड एथिक्स 1। तो गाइस, जब भी आप आरबीआई का पेपर की बात करोगे ना, चाहे पीछे कितना भी चले जाओ, ठीक है, 2012 13 14 15 16 17 किसी भी ईयर को उठा के देखोगे, अगर मैनेजमेंट का जो पार्ट है, देर आर सर्टेन टॉपिक्स फ्रॉम वेयर दे जनरली ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, ठीक है? कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, राइट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, तो ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको पारुल मैम ने बताए ही होंगे अपनी क्लास में।
इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो ये वाले टॉपिक्स तो आपको करके जाने ही है, एटलीस्ट ये जो यहाँ पे लिखे हुए ये वाले, राइट। सो 19 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ऑल वर ऑफ कोर्स स्टैटिक, देयर वर नो करंट अफेयर्स, देयर इज नो करंट अफेयर्स इन मैनेजमेंट, ठीक है, देयर कैन नॉट बी। देन आ जाओ डिस्क्रिप्टिव पे कि क्या क्या डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन था। देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन कम्युनिकेशन, देन व्हाई इज चेंज रिजेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, what can the management do to overcome it, what do you understand by blockchain technology in the current era where blockchain as it speak will it disrupt banking, right। So blockchain was in actually it is in news, so us pe basis pe question tha, to current scenario mein kya kya chal raha hai aapke aas paas uska bhi aapko ek decent idea hona chahiye। Like these days we are talking much about CBDC, so you can expect a question on CBDC in 2023 paper, right। 10 मार्कर्स की बात करें, TLTRO पे क्वेश्चन था डायरेक्टली, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस हुआ था दैट टाइम, इंडियाज रिस्पॉन्स टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 विच हैज नाउ बीन रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल बिहेवियर इन सोसाइटी। सो एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो 2022 का डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन था फाइनेंस का, दैट वॉज क्वाइट आई विल नॉट से ईजी, बट वो टैकल करने लायक था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे फ्रॉम द सिलेबस ओनली, राइट। अब आ जाते हैं हम 2000 बिफोर दैट इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, आई हैव पिक्ड अप ओनली द ऐसे टॉपिक्स बिकॉज आरसी और प्रेसी ऑफ कोर्स उसका जो पैसेज है वो अवेलेबल नहीं हो सकता। सो पीस कैन नॉट बी केप्ट बाय फोर्स, इट कैन ओनली बी अचीव बाय अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वॉज अ फिलोसॉफिकल ऐसे, दे आर गिविंग वन फिलोसॉफिकल ऐसे सिंस 2021, ठीक है। तो मे बी इस बार दो हो जाए और धीरे धीरे करके चारों हो जाए। रोल ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हाउ द वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग दीज डिसएडवांटेजेस, इंडिया हैज बिकम अ मेडिकल डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड। नाउ यू कैन सी हियर गाइस वन थिंग दैट पीपल वर आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर एसे। देखो यार, एसे के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू स्टडी एनीथिंग फॉर एसे, बिकॉज वट एवर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, ESI, फाइनेंस, मैनेजमेंट, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल प्रोवाइड यू अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फर्दर मटीरियल दैट यू कैन राइट इन योर एसे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, रोल ऑफ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। भाई साहब, कितनी चीजें हमने PIB में पढ़ी है, स्कीम्स हैं, सरकार के कितने सपोर्ट हैं, तो कांट बी राइट अबाउट दिस। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कई चीजें हम PIB में इसके इनिशिएटिव्स पढ़ चुके हैं, स्पॉटलाइट में है। तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज दैट यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग फॉर एसे, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट, राइट मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 21 पेपर। सबसे पहले ESI ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। अगेन सेम एज इन 2022 गवर्नमेंट स्कीम्स के देवर 14 क्वेश्चन। सो गवर्नमेंट स्कीम्स तो यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं रोक सकता। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के अगेन देयर वाज अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन विच देवर 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस के थे। करंट अफेयर्स के देवर 9 क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक्स, टॉपिक वही रहेंगे करंट अफेयर्स के, एंड देवर 3 क्वेश्चन ऑन स्टैटिक विच आर अगेन वेरी यू नो स्ट्रेंज क्वेश्चन आई वुड से, बहुत ही अजीब से क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने स्टैटिक के 3 जो थे, ठीक है। तो मैं इन 3 क्वेश्चन को तो ये मान के चलता हूं कि केवल 10% जनता होगी जो इस 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही कर पाई होगी, बाकी 27 का खेल है सर, ठीक है। एंड अगेन द सोर्स दैट हैज टू बी फॉलोड इज PIB एंड स्पॉटलाइट ओनली द सिलेक्टेड सेक्शंस। आ जाओ डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव क्योंकि इस बार इन्होंने फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग गैप, बिकॉज 2014 से पहले भी डिस्क्रिप्टिव था, डिस्क्रिप्टिव इन्होंने 2021 में फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग गैप इंट्रोड्यूस किया था, सो द डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाज क्वाइट इजी। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में कंसीडर पर कैपिटा इनकम, कंजम्पशन एंड इन्फ्लेशन, नेट सेफ्टी प्रोग्राम्स एज पॉवर्टी मेजरमेंट एंड डिस्कस देयर प्रोज एंड कॉन्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवोल्यूशन गिवन बाय फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, डिफरेंट डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इवॉल्व सिंस द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008। सिमिलरली 10 मार्क्स में there were not much difficult questions, 3 measures related to disinvestment of strategic sectors, influence of demographic transition on economic growth, and discuss India's commitment to climate change in light of socio-economic health and developmental projects,
ठीक है। ये क्वेश्चन अभी आपको यहां से सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहे होंगे, बट जब आपने इतना पढ़ लिया होगा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2023 फेस टू एस्पिरेंट, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए अभी, ठीक है। जो नए हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये, ठीक है। तो मेरे को फिर कमेंट सेक्शन में तुम आगे चिल्लाने मत लग जाना कि ये इतना ईजी तो नहीं है। जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जो अभी 2023 का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए दीज क्वेश्चन शुड बी वेरी इजी, और अगर नहीं है इजी ये क्वेश्चन आपके लिए तो आपको दवाई की जरूरत है। फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पीपीपी एचएएम मॉडल पे 3 क्वेश्चन, स्टैटिक रेगुलेटरी बॉडी देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सेबी, 2 क्वेश्चन थे। डिपोजिटरीज पे 1 क्वेश्चन था, सीडीएसएल एंड एनएसडीएल। एनपीसीआई पे देयर वाज अ क्वेश्चन, एफडीआई लिमिट 1 क्वेश्चन, एंड करंट अफेयर्स देयर वर 8 क्वेश्चंस, ठीक है। 8 क्वेश्चन थे एंड द टॉपिक्स वर दीस, यू कैन रीड द टॉपिक फ्रॉम द पीडीएफ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम हियर। एंड अगेन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर 16 क्वेश्चंस वर फ्रॉम फाइनेंस एंड 14 वर फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट के अगेन देखो टॉपिक क्वेश्चंस जो है उन्हीं टॉपिक से बार बार आते हैं, एथिक्स, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, चेंज, कम्युनिकेशन, परसेप्शन, जौहरी विंडो से 2021 में क्वेश्चन आया था, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, मोरल इंसेंटिव। तो मैनेजमेंट गाइज इज क्वाइट स्कोरिंग बिकॉज देर आर ओनली अ फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम वेयर दे जनरली रिपीट द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैनेजमेंट को अगर आप स्ट्रेटेजिकली लेके चलोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पे, अच्छा बिफोर दैट एफएम डिस्क्रिप्टिव, एफएम डिस्क्रिप्टिव में वेरी इजी क्वेश्चंस, व्हाट आर बेसल नॉर्म्स, डिस्कस थ्री बेसल थ्री नॉर्म्स इन डिटेल विद इट्स पिलर, शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सिम बैंक, एनएचबी, आरआरबी, सिडबी एंड एनएचबी, व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट इज नीड ऑफ सीजी एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ की प्रिंसिपल ऑफ सीजी, वेरी इजी क्वेश्चन। देन क्योंकि पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, बट नाउ प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं आने वाले डेफिनेटली। आरबीआई अब सोच चुका है कि हमें यूपीएससी का लेवल टच करना है, ठीक है। तो 10 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, देन व्हाट इज बिहेवियरल रीइंफोर्समेंट, एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड डिस्कस एनी 5 मेजर हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 21-22। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे ये, बट प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़ने वाला है जैसा ईएसआई का पेपर था लास्ट ईयर का। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम लेवल ऑफ पेपर इन सेम लेवल ऑफ पेपर फॉर बोथ एफएम एंड ईएसआई, सो गाइस प्लीज बी रेडी फॉर दैट। और अगर आसान आ गया तो वो तो अच्छी बात है ना, आसान आ गया तो अच्छी बात है, सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, नो देन अगर ईजी आ जाता है पेपर तब तो ठीक है, दैट वुड बी अ चेरी ऑन द टॉप, राइट। आ जाओ अब इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में, फ्यूचर ऑफ बीपीओ इंडस्ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन बिजनेस, pros and cons of teaching computer coding to the school students, an ounce of prevention is a pound worth of cure, this was again a philosophical essay, so you can see they are giving you a philosophical essay, and this time this year I am expecting more from RBI, so let's see meri expectations aur hamari team ki expectations sahi baithti hai ya nahi। ab aa jao guys cut off pe, to pichli 2 saal ki cut off ki baat karenge, cut off 2022 jo phase 2 ki cut off thi, that was for UR category 171.25 out of 300, right? इसके बाद category cut off है OBC 167, SC 150.25, same for ST, EWS and UR are same, so EWS और UR में ना कुछ ज्यादा difference होता नहीं है, especially in phase 2 cut off, बाद में भले ही difference आ जाता है interview के बाद, PWD 150.25, then after interview the final cut off जो थे that was 233.50 out of 375 because 75 का इंटरव्यू है, 223 फॉर ओबीसी, 202.50 फॉर एससी, 179 फॉर एसटी, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इट इज 187.50, ठीक है। तो बेसिकली हम यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, सो द डिफरेंस हियर इज 171 एंड 230, लगभग 60 मार्क्स का डिफरेंस है, तो 60 मार्क्स आउट ऑफ 75 आरबीआई के इंटरव्यू में लाने इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। Although 2022 में बहुत सारे लोगों के 60 प्लस मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में, बट बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके 10 नंबर भी आए, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू टारगेट दिस मच, यू हैव टू टारगेट एज पर दिस पेपर, जो ये 2022 का पेपर आया था, आपका 200 का टारगेट तो होना ही चाहिए कि मेरा टारगेट 200 है, तब जाके आपके 190 आएंगे गाइस, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू में भी यू हैव टू परफॉर्म वेल, ऐसे नहीं कि इंटरव्यू में मुंह आगे चले जाएंगे, नो, राइट।
अब ये जो कट ऑफ थी 2022 में कम गई थी एज कंपेयर टू 2020-2021 बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज इन 21 द एग्जाम वाज कंपैरेटिवली इजी, ठीक है. तो इट वाज 187.75 फॉर यूआर फेस टू कट ऑफ, व्हाइल फाइनल कट ऑफ वाज 252.25. सो देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17 to 20 marks, ठीक है. ओबीसी सिमिलर सेम कट ऑफ, यूआर और ओबीसी की कट ऑफ सेम थी 2021 में. एससी 167.5, एसटी 166.75, ईडब्ल्यूएस 187.75 एंड फाइनल कट ऑफ फॉर यूआर वाज 252.25 व्हिच इज क्वाइट हायर देन द 2022 कट ऑफ, बिकॉज इस ये वाला जो पेपर था वो बहुत इजी था. अब मैं क्योंकि 2022 का ही पेपर मान के चल रहा हूं उसका स्टैंडर्ड, ठीक है, 2021 का पेपर आसान था, वैसा पेपर नहीं आएगा. 2022 का स्टैंडर्ड मान के चले तो अगर इस तरीके का पेपर आ रहा है तो योर टारगेट शुड बी 200. अब 200 आने के लिए इन ऑल द एग्जामिनेशन, इन ऑल द थ्री एग्जामिनेशन यू शुड बी टारगेटिंग 70+ marks एंड 70+ marks इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू स्कोर. आई एग्री एंड आई वुड से इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट टारगेट रखने के लिए मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 70 लेके ही आओ. टारगेट रख के जाओगे 70 प्लस का तो आपके 60 आएंगे भाई, और अगर 60 भी लाओगे ना तो 180 ही हो रहे हैं भाई. 60 भी लाओगे तो 180 ही हो रहे हैं, तब भी कुछ काम बनने वाला है नहीं आपका. अगर आप 60 ला रहे हो तीनों सब्जेक्ट्स में तब भी हाउ मच यू आर स्कोरिंग 180, कुछ नहीं होने वाला उससे, बिकॉज यू विल बी जस्ट 10 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली हायर देन दी कट ऑफ. आपको कट ऑफ से कम 20 से 25 नंबर ऊपर होना है एंड उसके बाद भी यू हैव टू परफॉर्म एक्सेप्शनली इन द इंटरव्यू टू क्लियर द फाइनल कट ऑफ, ठीक है, बिकॉज आरबीआई हैज द टेंडेंसी टू गिव सिंगल डिजिट मार्क्स इन इंटरव्यू एज वेल. ओके, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड वेल फॉर ऑल द स्टेजेस. सो गाइज, दैट इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विश यू वेरी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फेस टू एग्जामिनेशन. The live test are going on in the course. I hope you guys are attempting it. And I hope you guys will solve all the mock tests that will be provided by us. And bas padhte raho aur aage badhte raho. Phase 1 ka result maybe jab tak aap ye video dekh rahe hoge tab tak aa chuka hoga. Nahi aaya hoga to I wish you again all the very best for the phase 1 results as well. I'll see you in the next session. Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care and God bless.